हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सिकंदर कालोन की तरफ से। तो सिकंदर कालोन का जो सॉन्ग है बटर चिकन बटर नान, उसका ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो रिलीज़ हो चुका है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है सिद्धू मूसेवाला की तरफ से। तो सिद्धू मूसेवाला की जो एल्बम है मूसे टैप, उसका जो सॉन्ग है बू कॉल, वो आज रिलीज़ होने वाला है और इसका प्रीमियर भी उन्होंने सेट कर दिया है, जो कि सोनम बाजवा के साथ में होने वाला है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है सीधे मौत से एनकोर एवीजी की तरफ से। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे जो सेज ऑन द बीट है उनकी एक स्टोरी शेयर की हुई है, जिसमें कि सेज ऑन द बीट ने लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ पावर दैट हैज़ बीन गिवन टू लॉट ऑफ ट्विटर इंस्टा हिप हॉप पेजेस इज इनसेन। और भी आप पढ़ सकते हो उन्होंने क्या लिखा हुआ है। साथ ही उन्होंने नीचे लिखा हुआ है द सीन इज टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड एंड फाइव स्टेप बैकवर्ड, और कुट पे ही सही था हिप हॉप। और इसको शेयर करते हुए एनकोर एवीजी ने लिखा हुआ है इफ यू डिग डीपर यू विल फाइंड आउट दैट हाफ ऑफ दीज मीम पेजेस आर ओन्ड बाय अदर कंपनी लेवल, दिस कल्चर हैज गॉन मेड करप्टेड। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है गली गैंग की तरफ से। तो गली गैंग ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया जिसपे कि उन्होंने लिखा हुआ था 10K रिट्वीट्स नए रिलीज का टीजर ड्रॉप। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है भगत की तरफ से। तो जो रॉप्सी हैं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था भगत इज लिटरली वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिटर्स इन द देसी रैप गेम टुडे। और इसी को शेयर करते हुए जो भगत हैं उन्होंने लिखा हुआ था यू सेंड मी द रियल फायर आई जस्ट थ्रो सम गैसोलीन। और यहाँ पर जल्दी इनका कोलैब सॉन्ग हमको देखने के लिए मिलने वाला है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है पुलिस वाला रैपर जीवन की तरफ से। तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे कि उन्होंने लिखा हुआ था कुत्ता भले ही वफादार हो पर रहता तो मालिक का गुलाम ही है। अगली जो न्यूज है वो आ रही है मुहफाड की तरफ से। तो सबसे पहले तो आज उनका बर्थडे है, तो उनको हैप्पी बर्थडे। साथ ही मुहफाड ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे कि उन्होंने लिखा हुआ था अभी एक तरफ लड़कियां इंप्रेस हुई, अब दूसरी तरफ लड़के डिप्रेस होंगे #बकरी #SOSEP। तो आपको क्या लगता है जो अगला गाना उनका बकरी सॉन्ग आने वाला है वो कैसा होगा, नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही मुहफाड ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर की हुई थी जो कि थी आम जनता ट्रैक लिस्ट करके, और इस पे मुहफाड ने लिखा हुआ था ओल्डेस्ट लिस्नर आर प्योर गोल्ड दे नो इट ऑल। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है मीम मशीन की तरफ से। तो मीम मशीन का जो सॉन्ग है विनो, उसका ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो रिलीज हो चुका है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमीवे की तरफ से। तो एमीवे का जो मिस तुझे सॉन्ग है उसने स्पॉटिफाई पे 1 मिलियन स्ट्रीम्स कंप्लीट कर लिए हैं, और इसको शेयर करते हुए एमीवे ने लिखा हुआ था यू गाइस बीन लविंग मिस तुझे ऑडियो एंड इट हैज़ क्रॉस मिलियन स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई विच इज़ एक्साइटिंग, वुड यू गाइज वॉन्ट मी टू ड्रॉप मोर ऑडियोज, बताओ पब्लिक गाने ज़्यादा मिलेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील शेयर की हुई थी, आप देख सकते हो उनके एक साल पहले की एक वीडियो की है जो कि उन्होंने बियर बाइसेप्स के साथ बनाई हुई है, तो आप देख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना एक इंडिविजुअलिटी ढूंढनी है कि इतने म्यूजिशियंस हैं मार्केट में तो आप अलग क्यों हो। देयर आर लॉट ऑफ रैपर्स बट व्हाई इज इट दैट आई एम अ डिफरेंट रैपर, व्हाई डू पीपल नीड टू लिसन टू मी, क्योंकि अगर उनको रैप ही सुनना है तो वो तो बहुत लोगों को सुन सकते हैं। जब तक आप अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी, अपना टोन, अपना टाइप का फ्लो, अपनी प्रेजेंटेशन नहीं ढूंढते, तब तक नेशनली कुछ कर पाना या लोगों की नजरों में आ पाना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको ये फुल वीडियो देखना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही जो मनोवर फारूकी हैं उनका एक इंटरव्यू आया हुआ है जिसमें कि उन्होंने रफ्तार के बारे में बात की हुई है, तो आप देख सकते हो। डिस्कवर किया बोहेमिया, फिर उसके बाद पता चला कि ओके रफ्तार करता है, तो रफ्तार को जब सुना तो लगता है कि यार ये क्या बंदा यार, कि यार ये तो स्टैंड अप मैंने सुना था रफ्तार का। सबसे पहले मैंने सुना था एक कमर्शियल गाना जिसमें एक रफ्तार की एक ही लाइन थी बंदा रोए तेरे पीछे तेरी औकात नहीं ये वो, तो उसने कहा ये कौन है यार, तब जाके मैंने इसका एक स्टैंड अप सुना और स्टैंड अप गाने का नाम है और वो सुना इतना मोटिवेशनल गाना और इतना सही से लिखा हुआ, तो मुझे लगा कि यार ये क्या लिख दिया इसने, और तब से रैप फॉलो किया, सुनना शुरू किया। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसको पूरा देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।